बेटा जाइए। अरे यहाँ तक हो जाएंगे भैया उनका। टुडे वी आर इन फनलैंड, कृष्णा फनलैंड। आज हम मथुरा वृंदावन में कृष्णा फनलैंड में आए हैं। इसमें बच्चों की काफ़ी सारी राइड्स हैं, वैसे काफ़ी सारी गेम्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी हैं गेम्स। और इसमें पूल्स हैं, पूल ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मान लो अगर आपने आगरा का डॉल्फिन वाटर पार्क देखा है तो उससे काफ़ी छोटा है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी अंदर चल के कि पूल दो हैं, एक बड़े लोगों का है और एक छोटे बच्चों का है। तो चलो अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए इसमें ये सब मैंने आपको बता ही दिया। आप अंदर चल के देखते हैं, भाई फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, किस तरह का है, ज़्यादा अच्छा है या नहीं है देखो। तो ये सब बाहर का है, इधर पार्किंग है और वहाँ पर साइड में एक मंदिर है। मंदिर के नीचे जो बना हुआ है, मतलब मंदिर जो पीछे है, मंदिर के नीचे बना हुआ है, वहाँ टिकट काउंटर है। टिकट वगैरह लेनी हो तो पहले ही लेनी पड़ती है यहाँ से टिकट। यहाँ पे जितने भी गेम्स खेल रहे हैं यहाँ से पहले आपको टिकट लेके फिर अंदर जाना है। तो राहुल ले रहे हैं टिकट। अंदर पूल की टिकट है पर पर्सन 300 रुपीज़ है, और 5 साल से नीचे बच्चों की यहाँ कोई टिकट नहीं है। ये सब गेम्स वगैरह हैं, इसमें से जो भी आपको गेम्स खेलने हैं, कोई 50 रुपीज़ पर पर्सन है या कोई 100 रुपीज़ है। यहाँ पर जिप लाइन वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। ये सारे गेम्स हैं। हॉन्टेड हाउस में पानी ले लो, इधर आके देखो साहब, इसमें जाना है, जाना अभी। तो आप छोटे बच्चे ही हो, बड़े बच्चे हो क्या? आ जाओ, हॉन्टेड हाउस में पहले पूल में चल रहे। पानी ले लिया। हाँ हाँ बंजी जंप पे इसमें जाएंगे जाना। बच्चों के काफ़ी सारे गेम्स हैं। बाबू को तो बंजी जंपिंग करनी थी, मैंने कहा पहले पूल में से वापस आया था फिर करेंगे। यहाँ से हम लोग एंट्री ढूंढ रहे हैं अंदर पूल में जाने की, पर जब मैंने अंदर जा कर के एक्चुअल में पूल में देखा यार, तो मेरा मन ख़राब हो गया। मैं आपको दिखाऊंगी अभी ही किस लिए मन ख़राब हो गया। आपको देख रहे हो, आप पेड़ पे कॉस्ट्यूम्स टंगे हुए हैं, मुझे नहीं पता ये लोगों ने या पहन करके धो के यहीं डाल दिए हैं और वहीं ला करके इस पर पेड़ों पर पौधों पे सुखा दिए हैं, या और यहीं से वो कॉस्ट्यूम उठा उठा करके दे रहे हैं। और वैसे हम लोग गए थे तो वहाँ पर कॉस्ट्यूम था भी नहीं, यहाँ पर कॉस्ट्यूम है भी नहीं। इतनी भीड़ है और इतना कम स्पेस में, मेरा तो लिटरली मन नहीं कर रहा। चलो देखते हैं फिर भी अंदर जाके कितनी देर मैं रह पाऊँगी वहाँ पे। पानी, ओह माय गॉड, पानी का कलर देखिए, लुक एट दिस। इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे ना कॉस्ट्यूम भी नहीं है। अभी मैंने पूछा कॉस्ट्यूम है कहाँ है, तो बोल रहे थे कॉस्ट्यूम नहीं है, तो मैंने तो वापस कर दी टिकट, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो वैसे भी यार लुक एट दिस, केवल दो पूल है और भीड़ देख रहे हो किस तरह से। कोई मुझे नहीं लगता ये लोग जा कैसे रहे, नहा कैसे रहे यार, मैं तो नहीं नहा सकती इसमें। मैंने तो वापस करा दी, केवल बाबू को नहलाऊंगी मैं, क्योंकि ये मान नहीं रहा जितना नहाना है इसे। हाँ पर राहुल और बाबू चले गए, वो रहा बाबू और वो बाबू है, राहुल नहला रहे हैं। अभी तक टिकट वापस करी नहीं है, क्योंकि बाबू को तो कोई एक होना चाहिए ना नहलाने वाला, इसलिए तो। पर वो सोच देख रहे हैं, अंदर जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि एक तो होना चाहिए, अकेला तो वो नहीं नहा पाएगा। और काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी मज़े तो ले रहा है बच्चा यार वो। वहाँ कितना ऊपर छोटे छोटे बच्चे चढ़े हुए, ये सब इधर। यहाँ थोड़ा बहुत लॉकर एरिया है, जो भी लॉकर रूम वगैरह जिसको भी लेना है बैग वैग, अंदर चेंज करके आ जाओ ऐसा कुछ। पर यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम है ना वो है नहीं, और बाकी ना कोई तो भी हाइजीन नाम की चीज़ नहीं है। एक तो ना जो लोग आ रहे हैं वो अपने कपड़े उतार उतार करके उन कपड़ों को ना ऐसे ही डाल दे रहे हैं, और ये लोग उन कपड़ों को ऐसे पेड़ पौधों पर सुखा दे रहे हैं और उन्हीं को दे दे रहे हैं पहनने के। ऐसा नहीं है पूरा साफ होकर के तब आए। वाह
रो रहा है बाबू, अब स्लाइड पे चढ़ गया है बाबू। मतलब कोई तो मस्ती कर रहा है, चलो वो तो छोटा है तो कर सकता है, मेरे पे इतनी भीड़ भाड़ में नहीं होती है क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी एरिया है और कंजस्टेड साइज, इस वजह से इसमें बहुत भीड़ लग रही है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसा जो भी है। ये देखिए मैं इतनी भीड़ में नहीं कर सकती। राहुल ने पकड़ लिया बाबू को, बाबू भी कम एंजॉय कर रहा है, मैं होती साथ में तो एंजॉय करती, एक तो उसके डैडी भी है वो ज़्यादा एंजॉय वगैरह करते नहीं। और मैं ढूंढ रही हूँ राहुल को, राहुल और बाबू कहाँ गायब हो गए, आप लोगों को कहीं दिखे तो कमेंट करना, राहुल किधर है बाबू किधर है। वो रहे, मुझे दिख गए, आप लोगों ने मेरे से पहले ढूंढा था क्या? ये देखो दोनों कैसे मस्ती कर रहे हैं। और कौन कौन मेरी तरह इतनी भीड़ में जाना पसंद नहीं करता, कमेंट कर देना, मैं तो नहीं जा सकती सॉरी। बाबू देखो उल्टा चढ़ रहा है स्लाइड पर, शायद ऐसे ही चढ़ना है, नहीं वहाँ से है, उधर से है उस साइड से, हाँ उधर साइड से सीढ़ी है, पर ये इधर से उल्टा चढ़ रहा है, अगर वहीं से भी फिसल रहा है। बस मैं ये कपड़े वगैरह लेकर के घूम रही हूँ बाबू के और राहुल के, मैं यहाँ खड़े खड़े थक गई हूँ, हो सकता है पीछे जाकर के कोई जगह हो बैठने की, तो मुझे वहाँ बैठना है, मैं वहाँ बैठने जा रही हूँ। बाबू का आने का मन नहीं कर रहा, वो रो रहा है, राहुल ने कह रहा है, राहुल ने कहा है कि अब चलो, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा, उसे हमने कहा है कि और भी बाकी मतलब बच्चों के और भी काफ़ी सारे गेम्स हैं यहाँ पे वो खेल ले, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। फिर मैंने कह दिया कोई बात नहीं, दो बार और स्लाइड करा लो उसे, बच्चे नहीं मानते हैं यार। वो देखो मैं यहाँ एक जगह आके बैठ गई हूँ इस बेंच पर, यहाँ पेड़ है इस पेड़ के पास, बाकी राहुल आएंगे यहीं चेंज कर लेंगे, यहीं से फिर हम लोग निकल जाएंगे, जो भी अब उसे गेमिंग वगैरह करनी है करेगा, और फिर हम जाएंगे कुछ खाएंगे, भूख भी लगी है। अब ये दोनों बाहर निकल आए हैं, चेंज भी कर लिया है इन लोगों ने, और अब मैं आपको बाकी ये गेम सिखाऊंगी, पिक एंड पुल वाला गेम, यहाँ पे ये हथौड़े वाला, हैमर वाला, ये सारे वीडियो गेम्स मुझे तो पता नहीं है इसके नाम। हेलो क्यूटी, बास्केटबॉल, ये वीडियो गेम्स, हेलीकॉप्टर, बाइकिंग, ये हॉन्टेड हाउस है यहाँ पे, देखा कि मैं नहीं भाई नहीं पूल में पूलिंग नहीं करी मैंने, तो हम लोगों ने टिकट लिए एक दो मिरर मेज की, दो हॉन्टेड हाउस, जिसमें बच्चों का फ्री है यहाँ पे, 5-5 साल से नीचे बच्चों का कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ, केवल मतलब मिरर मेज हॉन्टेड हाउस ऐसे इन सब चीज़ों के लिए। तो हम लोगों ने दो मिरर मेज लिया है, दो हॉन्टेड हाउस लिया है, और उसमें चार गेम फ्री, और उसमें चार गेम है, 500 रुपये कार्ड बनाए हमारा उसमें, मतलब 500 रुपये में ये, 100 रुपये पर पर्सन हॉन्टेड हाउस का है, 100 रुपये पर पर्सन मिरर मेज का है, और 50 रुपये पर बेबी का गेमिंग है। तो इसके लिए चार गेम हमने लिए अलग से, चार गेम लिए, आप देखते हैं मिरर मेज कैसा है, चलो चलते हैं। ये मिरर मेज़ है, यहाँ पर क्या था ना कि गर्मी बहुत हो रही थी, एसी वगैरह नहीं था, पंखा वगैरह कुछ नहीं था, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी कि अंदर आपका वैसे दम नहीं घुटता, पर वैसे आप ज़रूर मर जाते, मैं गर्मी से मैं नहीं गई इसलिए। बाकी मैंने राहुल को फ़ोन दे दिया था, उनसे जैसी वीडियो बनी वो वैसी बना लाए, मैंने हॉन्टेड हाउस के लिए भी उन्हें फ़ोन दिया क्योंकि मैं नहीं गई थी अंदर, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैं किसी में नहीं गई थी, और हॉन्टेड हाउस में तो इन्होंने कैमरा ही ऑन नहीं किया, केवल मज़े ले रहे थे, और इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, तो मेरे से सॉरी, हॉन्टेड हाउस का वीडियो नहीं बन पाया, बाकी इसमें कुछ था भी नहीं बता रहे थे। अभी बाबू को बास्केटबॉल खेलना है, तो हमने बास्केटबॉल ले लिया है, तो अब मैं दिखाऊंगी कि देखते हैं बाबू एक आध बास्केट बॉल बास्केट में डालता है या नहीं,
और अभी तक इन दोनों ने एक भी बॉल बास्केट में नहीं डाली है। और फिर मैं जाऊंगी गाइस और आप देखना कि मैं बास्केट में बॉल डाल पाती हूँ या नहीं। इन दोनों में से किसी पे ही नहीं बॉल डाली जा रही। बाबू तो छोटा है, राहुल तुम्हें क्या हो गया यार, एक भी बॉल नहीं डाली जा रही। वेट करो गाइस, अभी मैं जाती हूँ फिर मैं डालूँगी बॉल। अरे उसमें भी जाना चाहिए ना, चलो हो गया, एक मिनट हो गया पूरा। यहाँ पे ज्यादातर गेम्स खराब हैं, जैसे ये खराब है, ये बाबू कह रहे थे ये खराब है। बाबू बाइक बाइक रेसिंग कर लो, बाइक रेसिंग कर लो। चक्कर ये था, बाकी मतलब काफ़ी बड़ी जगह है ये, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स भी हैं, पर काफ़ी गेम्स बंद भी पड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो है ना, गर्मी इतनी हो रही है और गर्मी के बावजूद एसी नहीं चला रखे हैं। यहाँ पे एसी लग रहे हैं सारे, काफ़ी सारे एसीज हैं यहाँ पे, लेकिन चला नहीं रखे। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है कि हमें लग रहा है कि हम यहाँ से निकलें, गेम्स वेम्स जाएँ सारे बाहर में, और पहले हम निकलें क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही है। अगर तुम अच्छा मतलब वो कर रहे हो तो यार एसी वेसी तो चला के रखना चाहिए ना, कैसे कस्टमर रुकेगा इतनी गर्मी में। जो टिकट काउंटर के ऊपर काफ़ी बड़ा पोस्टर लग रहा था, उसमें काफ़ी सारे गेम्स थे, जैसे माउंट ट्रैकिंग का है जो मतलब ऐसे बच्चों के लिए बना रखा था, वॉल हैंगिंग का गेम था, और क्या कहते हैं ट्रैम्पोलिन्स वगैरह थे, काफ़ी अलग कई कई टाइप के पजल्स गेम था। पर यहाँ पे ना कोई सा भी गेम था नहीं, शायद हो सकता है पहले होगा पर अब नहीं था, और सारे गेम्स ख़राब पड़े थे और काफ़ी सारे गेम्स चल नहीं रहे थे तो मना कर दिया था। बाकी जो भी था वो मैंने आपको दिखा ही रही हूँ। बाबू कह रहा है ये वाला गेम खेलने को, देखते हैं ये उठा पे पाता है या नहीं उठा पाता। तो जब ट्राई किया तो ये गेम भी चला नहीं, बाद में बंद पड़ा रहा। फिर इसके बाद हमने देखा कोई और गेम स्टार्ट करते हैं, ये मतलब काफ़ी सारे गेम्स बंद ही पड़े थे, मेंटेनेंस नहीं थी यहाँ पे। मेरा जो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा नहीं रहा यहाँ का। तो अगर आप इतने मतलब गेमिंग जोन अच्छा है बच्चों का, बस यहाँ पर गर्मी बहुत है, गर्मी से कोई भी मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ भी खेल पाएगा। तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो किसी और जगह पर जाना, यहाँ पर गर्मी में तो बिल्कुल मत आना। वैसे हाँ ठंड वंड में फिर ये किसी काम का है नहीं, क्योंकि पूल्स वगैरह हैं यहाँ पर, तो ठंड में आकर इंसान करेगा क्या। हाँ मतलब ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, ताकि आपको गर्मी ना लगे, पर ऐसी बात है इतनी भीड़ होगी तो लगेगी ना यार। फिर बाबू ने ये कोई गनशॉट वाला गेम था, वीडियो गेम था, वो खेला, और इसमें भी पता नहीं क्या करना था, कहीं कुछ था नहीं, बस बंदूक ही ऊपर नीचे करनी थी, निशाना लगाना था, बस वही किया मैंने, राहुल ने, बाबू ने। ये गेम हम तीनों ने खेला था मिलके। इसको बंजी जंपिंग जाना है, स्टार्ट हो गया इसका बंजी जंपिंग। बाबू डर लग रहा है ना, इसको तो कभी डर नहीं लगा, एक साल का था तब से झूल रहा है वो ऐसे बंजी जंपिंग में। हेलो, अभी ऊपर जाएगा बेटा ये। कराते हो ये नेक्स्ट, इसने ये दूसरा राउंड ले रहा है ये बंजी जंपिंग का, पहला राउंड करके इसका मन नहीं भरा, अभी इसको एक और चाहिए। अब हम किस में बैठ गए, ट्रेन में। हम कहाँ जा रहे हैं, बाय बाय।
अब ये प्ले हाउस में खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर हमने कहा चलो अब एंड है, ये लास्ट है, लास्ट प्ले हाउस में खेल लो, उसके बाद घर जाना है। तो उतना मान नहीं रहा है कि अभी नहीं घर जाना है यार। हम आए थे 6 बजे आए थे और रात हो गई, हमें 8:30 बज गए, 8:30 का टाइम हो रहा है, उसके बाद भी इसका मन नहीं भर रहा है। चक्कर क्या है ना, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है, गर्मी गर्मी बहुत है और पंखे कहाँ पता चलते हैं, केवल पंखे चल रहे हैं इसमें 2-4, और इसमें रश इतना है, इतना ज़्यादा क्राउड है, उसके बाद भी मतलब एसी वगैरह चला नहीं रखे। अगर इसमें एसी चला रखे होते ना यार, तुम और थोड़ा इसे महंगा कर दो, लेकिन अगर फैसिलिटी मिलेगी कस्टमर को तो कस्टमर क्यों नहीं आएगा। ये है कि इसमें एसी चला के रखो तभी कस्टमर रहेगा यहाँ पर, रुकेगा, वरना गर्मी में तो कोई भी अपने बच्चों को गर्मी में ही नहीं यहाँ खिलाएगा ना, गर्मी से तो और भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से फिर मैंने कहा लास्ट हो रहा है, अब जल्दी चलो, क्योंकि हम भी काफ़ी थक गए थे और मन कर रहा था कहीं ठंडी जैसी जगह में जा कर के बैठे, तो ये लास्ट है, फिर हमें चलना है। जैसे उस साइड गेम है वैसे इधर भी हैं, सारे गेम से बच्चों के हैं, उससे शायद बड़े भी कर सकते, पर पता नहीं मुझे वो है क्या। एंड बस अब बहुत देर हो रही है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है, मैं वो भी टाइम हो गया। इधर आओ, चलो पहले ये पहनो, सैंडल पहनो। ये लेना है क्या? ये बाबू ले रहा है पॉप पॉप। ये क्या है? ये यहाँ पे कितनी सारी कैंडीज है, मैजिक पॉप है वो। तो गाइस अब हो रहा है 8:30 और हम लोग आए थे यहाँ करीब 6-6:30 और हम लोग जा रहे हैं। इसे देखो अभी भी चैन नहीं, अभी भी रो रहा है ये, 8:30 भी रो रहा है, यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा, पता नहीं इसे क्या है, इतना अच्छा लगा। आ गए हैं हम हीरा रेजिडेंसी डिनर के लिए, क्योंकि अब घर पर जा करके बना करके खाने की हिम्मत नहीं थी काफ़ी देर से। यहाँ सारा खाली है, लेट भी ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ के बैठ गई हूँ, कोई है नहीं यहाँ पे, सारा बहुत थक गई हूँ, सारा हॉल खाली है ये वाला, लेट भी हो गए हम शायद इसलिए, फिलहाल बाहर गए हैं शायद फ्रेश वगैरह होने गए होंगे, और यहाँ पे एसी भी चलाने रखा है, कोई अंदर आए तो मैं बोलूँ एसी चलाओ, गर्मी काफ़ी हो रही है जून के महीने, और पता है ना आपको मई जून में तो कितनी गर्मी होती है यहाँ पर यूपी में। पता नहीं क्यों मुझे आज अपनी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लग रही, मैं कुछ करूँ हेयर स्टाइल ना, वो अंकल को बुला के लाओ, बोलो अंकल एसी चला दो, जाओ कदम कदम।